हाय स्टूडेंट, आप सभी का सैंटे क्लास इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सिंप्लीफाई के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 7 raised to the power 2 into 7 raised to the power 3 है। जब भी यहाँ पे हमारा जो बेस है वो सेम होगा तब हम यहाँ पे इंटू होगा तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 raised to the power 2, देन यहाँ पे बेस हमारा 7 है तो दोनों का एक ही बेस लेंगे और यहाँ पे इनटू है तो हम यहाँ पे प्लस इसका से पावर 3 उसको इसमें ऐड कर देंगे। देन हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 7 2 + 3 यहाँ पे 5। जब भी हमारा बेस क्या होगा, सेम होगा तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे इनटू है तो हम दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम सेकंड क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, देन यहाँ पे 4 है इनटू है तो इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3। इस तरह ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, 6 raised to the power 7, 4 + 3। इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। और एग्जांपल के लिए लेंगे हम यहाँ पे 4 5 into 4 9। अब यहाँ पे दोनों हमारा जो बेस है सेम है, इसको एज इट इज लिख देंगे हम, देन यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9 को हम ऐड करके लिखेंगे, देन 4 5 + 9 यहाँ पे हमारा क्या है 14। तो हमारा 4 raised to the power 14 ये हमारा आंसर है। और एक एग्जांपल लेंगे हम -6 into -6 raised to the power 5। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो हम -6 यहाँ पे 2 इंटू है तो हम इसको ऐड कर देंगे, देन हमारा लास्ट जो आंसर आएगा फाइनल -6 2 + 5 = 7, -6 raised to the power 7। इस तरह हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो हम उसको सेम लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं।